नमस्कार मित्रों, बूंदें पॉडकास्ट की ओर से मैं मोहम्मद इसहाक खान आपका ही साथी। नमस्कार, कैसे हैं आप? भूले तो नहीं ना हमारी मुलाकात आपसे ओझल और अन्य जगहों पर भी होती है। जी हाँ, ओझल एक सिलसिला हम चला रहे हैं जिसके तहत विलुप्त प्रायः जो शब्द हैं, जो परिवेश है, उसके बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं संक्षेप में। इसी सिलसिले में आज हम आप सबके साथ मिलकर बात करना चाहते हैं सिंदूर के बारे में। सिंदूर, सिंहोरा, सिंदूरदान, मांग भरना, ये सब संस्कारों से और इन शब्दों से आप परिचित जरूर होंगे। किस्सों में, कहानियों में आप पढ़ते होंगे, शादी विवाह के मौके पर भी आप देखते होंगे मांग भरने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक कोरम पूरा करने जैसा मसला रह गया है, मांग भरना। लेकिन इसके बारे में जो इसकी अहमियत होती थी सिंदूर के बारे में, तरह तरह के सिंदूर दान, सिंदूर रखने के जो बर्तन होते थे वो दहेज के साथ लाए जाते थे दुल्हन के लिए, और उसमें सिंदूर रखा होता था। वो सोने चांदी के भी होते थे और खूबसूरत लकड़ी के रंगीन डब्बे भी होते थे जिसमें कि सिंदूर रखा जाता था, और एक अंगूठी होती थी जिसके माध्यम से सिंदूर मांग में भरते थे। दरअसल शादी के दिन दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है जो उसके सुहागन होने की निशानी बन जाता है। ताम्र महिलाएं इसे अपनी मांग में सजाती हैं, और कुछ परंपरा के कारण तो कुछ एक विश्वास के कारण कि ऐसा उनके पति की उम्र को लंबी कर देगा। और वास्तव में सिंदूर देख करके आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सुहागिन है, इसकी शादी हो चुकी है, इसके पति जरूर होंगे। दरअसल विवाहित महिलाओं के लिए ये सुहागन का प्रतीक तो है ही है, और ऐसा भी कहा जाता है कि इससे सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, और एक सुरक्षा की भावना भी उनमें आती है, आदर का भाव भी आता है। अगर बहन बेटियां कहीं रास्ते में मिल जाती हैं सिंदूर लगे हुए, तो उनके प्रति एक आदर का भाव आता है कि ये शादीशुदा विवाहित हैं। और घर में सुख शांति बनी रहती है सिंदूर लगाने से, ऐसा भी शास्त्रों में कहा जाता है, ऐसा भी प्रबुद्ध जन बताते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो लक्ष्मी जी हैं, माता लक्ष्मी जी का पहला वास या पहला निवास एक स्त्री की सिंदूर वाली मांग बताई जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सिंदूर में पारा धातु के होने से इसके बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती और नकारात्मक भाव नहीं आते, नकारात्मक सोच नहीं आ पाती दिलो दिमाग में। और ये भी कहा जाता है कि झुर्रियाँ नहीं पड़ती और चेहरे पर बुढ़ापा के नज़रें, यानी कि बुढ़ापा के जो चिन्ह हैं, वो बहुत देर से आती हैं और नहीं भी आती हैं, ऐसा भी मानते हैं लोग। तो इस तरह से जो हम भूलते जा रहे हैं सिंदूर लगाने की परंपरा, और सिंधोरा यानी कि सिंदूरदान जो एक डब्बी होती है उसे रखने की परंपरा हम सब भूलते जा रहे हैं, तो आज की अपनी इस ओझल की कड़ी में हम इसी की जानकारी आपके साथ बांटना चाह रहे थे। अगर अच्छा लगे तो हमारा बूंदे पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।